So dear students, now we will see what are the laws of refraction. दो laws of refraction होते हैं जिनको हमने theoretically तो समझा था. अब हम glass slab की जो example आपकी किताब के अंदर दे रखी है उसके मुताबिक समझेंगे. glass slab कैसी होती है देखने में. glass slab ऐसे जैसे ये चौकोर लकड़ी का टुकड़ा है ऐसी होगी, और उसमें क्या होगा कि light एक phase से आएगी, एक phase पर टकराएगी, एंटर करेगी ग्लास स्लैब के अंदर और सामने वाली फेस से निकल जाएगी वापस एयर के अंदर. ओके, तो एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं. ग्लास स्लैब को जब हम ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगी, ऐसे खाली चौकोर दिखेगी, और लाइट जिस फेस पर आएगी वो फेस हम नहीं दिखाएंगे, वो फेस सिर्फ हम एक लाइन से दिखाएंगे. ओके, तो एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं. सपोज दिस इज द ग्लास स्लैब, ये एक इंटरफेस है जिसमें लाइट एंटर होनी है, और ये एक इंटरफेस है जिसमें लाइट एग्जिट होनी है ग्लास स्लैब में से. ओके, तो एक रे ऑफ लाइट बना लेते हैं हम. एक रे ऑफ लाइट सपोज ऐसी आती है, ओके, इस पॉइंट पर टकराती है. ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर है या जो बाहर है वो बेसिकली एयर है, तो इट इज मीडियम वन एंड इट इज ए रेयर मीडियम एज कंपेयर टू दिस. दिस इज ग्लास. ओके, ये ग्लास स्लैब है, स्लैब हम लिख सकते हैं. और ये कैसा मीडियम है, ये मीडियम टू है. और ये कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर. ग्लास इज ए डेंसर मीडियम. नाउ जैसे ही ये रे ऑफ लाइट एक फेस पर टकराएगी, एंटर होगी ग्लास स्लैब के अंदर, जैसे ही एंटर होगी ग्लास का मटेरियल या ग्लास की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाएगी. कम हो जाने की वजह से ये किधर डेविएट कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ डेविएट कर जाएगी. नॉर्मल बना देते हैं यहां पर हम, इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल बनाएं तो दिस इज द नॉर्मल. ओके, दिस इज द नॉर्मल एंड this is the angle of incidence. okay, this is incident ray for this interface. याद रखिएगा एक ही ray incident ray भी हो सकती है और refracted ray भी हो सकती है. ये depend करता है कि interface उसके आगे है या पीछे. okay, अगर interface आगे है ray पीछे है तो ये incident ray कहलाएगी. अभी हम देखेंगे कि refracted ray कैसे incident ray बन जाती है. after that ये रे कहां जाना चाहती थी, ये रे जाना चाहती थी इस डायरेक्शन में. दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंट फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रे, बट ये इस डायरेक्शन में न जाकर और बेंड कर जाती है किधर की तरफ, आपके नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, क्योंकि ये कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है. एंड दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर दिस इंटरफेस. याद रखिएगा, ओके, इंसिडेंट रे इस इंटरफेस के लिए है, ये वाली इंटरफेस के लिए है. ये नॉर्मल इस इंटरफेस पर इस पॉइंट पर है, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन की वजह से ये रे ऑफ लाइट बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे फॉर दिस इंटरफेस. बात समझ में आई. अब ये रे यहां पर टकराई, इसको फिर ये वाला इंटरफेस मिला. इस इंटरफेस में और इस इंटरफेस में क्या फर्क है, यहां पर जो इंसिडेंट रे, अब यही क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे बन जाएगी. ये इंसिडेंट रे बन जाएगी किसके लिए बन जाएगी, अभी बताता हूं. इंसिडेंट रे बन जाएगी किसके लिए, इस इंटरफेस के लिए. ओके, अब ये यहां पर टकराई, अब क्योंकि यहां पर इंटरफेस आ चुका है, अब अगेन स्पीड इसकी चेंज होने वाली है. अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जो स्पीड एयर में होती है उतनी हो जाएगी, उससे कम स्पीड है यहां पर, यहां की जो स्पीड है उससे बढ़ने वाली है. तो यहां पर जैसी स्पीड बढ़ेगी ये क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स सॉरी अवे टू द नॉर्मल डेविएट हो जाएगी. अब देखिए ये टूवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट हुई थी, ये किधर आना चाहती है, अब ये आना चाहती है, अब ये जाना चाहते हैं इधर. यहां पर हम एक नॉर्मल बना देते हैं, दिस इज द नॉर्मल
this is the direction of intent for this propagation of light. लेकिन ये इस direction में न जाकर वापस इस direction में आती है, bend हो जाती है away to the normal. Okay? Now, अब ये दोनों angle, ये angle क्या हो जाएगा? ये angle है तो इसके बराबर, लेकिन ये angle of incident हो जाएगा किसके लिए? इस वाले refraction के लिए. ये बात समझिएगा आप लोग. ये angle और ये angle दोनों बराबर हैं, लेकिन ये angle of incidence हो जाएगा किसके लिए? इस वाले refraction के लिए. क्योंकि यहां पर पहले मैं I लिख चुका हूं, इसलिए अब मैं यहां पर I2 लिखूंगा. ओके, मैं यहां पर क्या लिखता हूं? I1 लिखता हूं, यहां पर R1 लिखता हूं, यहां पर I2 लिखता हूं, और यहां पर मैं क्या लिखूं? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको मैं R2 लिखता हूं. ओके, क्योंकि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल है और ये बेसिकली एक ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर एंगल R1 और I2 दोनों बराबर होंगे. ये दोनों बराबर एंगल हैं, लेकिन इन दोनों के नाम अलग अलग हैं. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इस रिफ्रैक्शन के लिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस रिफ्रैक्शन के लिए. ओके, यहां पर जो स्पीड है लाइट की, सपोज इट इज V1, यहां पर जो स्पीड है सपोज इट इज V2, तो यहां पर जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? ये अगेन V1 हो जाएगी, क्योंकि सेम मीडियम में वापस आ चुकी है. ओके, इसको V2, V1 ना लिखकर हम कोई तीसरी स्पीड भी लिख सकते हैं, V3 लिख दें. बात समझ में? कोई तीसरा मीडियम भी हो सकता है वहां पर जाकर. नाउ, अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, सबसे पहले आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ लीजिए. पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ यह कहता है कि नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में होंगी. ठीक है, नोट्स की फॉर्म में नहीं लिखवा रहा हूं आपको, मैं ऐसे ही अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद समझाना है. नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, तीनों की तीनों रेज सेम प्लेन में होंगी. सेम प्लेन का कंसेप्ट मैं पहले आपको समझा चुका हूं. दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ यह कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, इसका अगर हम साइन निकाल लें, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन हम कैसे निकालते हैं किसी एंगल का. ओके, अगर इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन निकालें तो इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा. इस एंगल को आप बढ़ाइए तो इस एंगल का साइन भी इस एंगल के साइन के रेशियो में बढ़ेगा. तो आप ध्यान से समझिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, यहां पर मैं वन कह देता हूं ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता रहे, और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर वन, ये किसके बराबर होगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर. ठीक, अभी मैं खाली यहां पर लिख रहा हूं म्यू टू वन होगा ये. ठीक, तो ये बेसिकली क्या होगा इस वाले हमारे पर्टिकुलर केस में? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और बेसिकली यहां पर ये क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ आई वन, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर वन. यहां पर इसको अगर हम वेलोसिटीज की टर्म्स में लिख लें तो क्या होगा? तो वेलोसिटीज की टर्म्स में ये हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अब हम एयर को बार बार न लिखकर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी लिख सकते हैं अगर बार बार एयर आ रहा है तो. ओके, बात समझ में आई? अगर विद रिस्पेक्ट टू एयर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है तो हम एयर को बार बार मेंशन नहीं करते, हम खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है वो निकाल देते. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? ये जो डिनोमिनेटर में वेलोसिटी होगी. ओके, ये कम होगी इससे, इसलिए हमेशा ये किससे ज्यादा होगा? It will always be greater than one in the case of air. Okay, refractive index हर object का या हर medium का, हर transparent medium का other than air, air की respect में एक से ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वहां पर velocity कम होगी, या ये जो angle है R1 ये छोटा होगा I1 से. बात समझ में आई क्या? Okay,
एक रिफ्रैक्शन, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कमोबेश मैंने आपको पूरा समझा दिया। मैं और आगे की बात समझाना चाहता हूं आपको। अब देखिए एक रिफ्रैक्शन यहां पर भी हुआ है, तो यहां पर कौन सा रेशियो है भाई? एक रेशियो तो एक रेशियो की तो ये बात खत्म हो गई। यहां पर कौन सा रेशियो है? यहां पर साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, यहां पर भी तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो यहां पर इंसिडेंट एंगल छोटा है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में है, अब वो रेयर में जानी है तो रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा हो जाएगा। तो अब यहां पर रेशियो कैसा होगा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं लिखता हूं रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई टू, आई टू लिख रहा हूं मैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर टू, आर टू लिख रहा हूं। बात समझ में आती है या नहीं आती? अब देखिए आर टू किसके बराबर है? आई वन के बराबर है। तो यहां पर आई वन क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और आई टू किसके बराबर है? आर वन के बराबर है। तो आर वन कैसे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ये बेसिकली क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। अब ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका निकल रहा है बताइए? जहां पर ये R2 है उसका निकल रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आई होप आपके इस बात से समझ में आया हो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल रहा है? एयर का निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छा, इनको इसकी टर्म्स में अगर कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? यही बराबर हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ आई वन, क्योंकि आई टू किसके बराबर है? आई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, आर वन, सॉरी मैं गलत कह रहा था, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर वन डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आई वन। ये उल्टा हो गया, किसका उल्टा हो गया? इसका उल्टा हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? वन अपॉन म्यू ग्लास इज इक्वल टू म्यू एयर With respect to glass, ठीक। तो जब भी ये रेज बदलेंगी, जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कैसा हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा? लेस देन वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस देन वन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये ग्रेटर देन वन था। वन अपॉन ग्रेटर देन वन इज इक्वल टू लेस देन वन। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो ग्लास स्लैब के जरिए रिफ्रैक्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। रिफ्रैक्शन में जरूरी ही नहीं है कि हमेशा इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा, इंसिडेंट एंगल छोटा भी हो सकता है, रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में है या रेयर मीडियम में। ओके, इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? फॉर एग्जाम्पल ये इंसिडेंट रे है, तो यहां पर कहीं सोर्स होगा ना भाई, सपोज सन इज द सोर्स। तो इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्रैक्टेड रे के मुकाबले में सोर्स से नजदीक होती है, ठीक। जैसे यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे सन से नजदीक है यहां पर। ओके, दूसरी बात, इंसिडेंट रे के बाद ये इंटरफेस आता है, ये पहचान है इंसिडेंट रे की। ओके, अब इस वाले रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। इसमें ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसकी पहचान क्या है? इन दोनों रेज में से कौन सी नजदीक है सन के? ये वाली नजदीक है। तो इंसिडेंट रे इज ऑलवेज नियर टू द सोर्स ऑफ इट्स ओन, इसकी इसका जो सोर्स होगा उसके नजदीक होगी। आफ्टर दैट इंटरफेस आएगा, ये वाला इंटरफेस इंसिडेंट रे के बाद आया और इंटरफेस के बाद रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक। अब देखिए दो बार ये टर्न हुई, एक बार तो दो बार ये बेंड हुई, एक बार यहां पर हुई, एक बार यहां पर हुई। तो यहां पर इसको किसने बेंड किया? यहां पर इसको किया ग्लास ने बेंड, यहां पर ग्लास ने बेंड किया। तो इसलिए यहां पर जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो ग्लास का होगा। ओके, अब यहां पर किसने बेंड किया इसको? यहां पर बेंड किया एयर ने, यहां पर भाई कौन सा मीडियम है? एयर है, यहां पर एयर ने बेंड किया। तो अगर हम यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वो किसका रिफ्रैक्टिव होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एयर का होगा, जैसे मैंने यहां पर निकाला। और किसकी रिस्पेक्ट में होता है? रिस्पेक्ट में उसकी होता है जिसकी जिसमें इंसिडेंट रे होती है। तो इंसिडेंट रे के मीडियम की रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकालते हैं जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है। ओके, सो दिस आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन डिटेल। ये इसमें मैंने कुछ कंसेप्ट बताए हैं, ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ये कंसेप्ट डायरेक्ट यूज होंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ओके, अभी आगे हम और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप बार बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको रिपीट करके देखिए, नोट्स बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये आगे आपके काम आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।